यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक रहस्यमय कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्योधन का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था। श्रोताओं, इसके लिए जो मुझे कमेंट आया है वो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर है जय भोलेनाथ, शायद यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना। तो श्रीमान जय भोलेनाथ, यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय, आपने मुझे एक कमेंट किया था कि श्रीमान जी दुर्योधन के विवाह पर एक वीडियो बनाएं, और आपने दूसरा कमेंट भी, कई कमेंट आ चुके हैं आपके, परंतु देखिए समय का अभाव होता है मेरे पास, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो ही डाल पाता हूं और मेरे पास कमेंट हजारों की संख्या में होते हैं। तो मैं मेरे समस्त सब्सक्राइबर और श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सभी कमेंटों को सम्मिलित करने का प्रयास करता हूं, पर धीरे धीरे समय लगता है। तो देखिए श्रीमान जी, जय भोलेनाथ जी ने दोबारा भी लिखा है कि श्रीमान जी आपने अभी तक दुर्योधन के विवाह पर वीडियो नहीं बनाई है, धन्यवाद जी। तो देखिए श्रीमान जय भोलेनाथ जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेकर के आज उपस्थित हूं। तो युवराज दुर्योधन, आपको ज्ञात होगा कि कौरवों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, बड़े कुरुवंशी राजकुमार थे, धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र थे अन्य सौ भाइयों से, और सबसे बड़े ज्यादा पराक्रमी भी थे। उन्होंने जब वो विवाह योग्य हो गए थे तो कई स्वयंवरों में भाग लिया था, यहां तक कि उन्होंने जब महाराजा द्रुपद पांचाल नरेश ने पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था, उस स्वयंवर में भी दुर्योधन ने भाग लिया था, परंतु उसकी शर्त पूरी ना करने की वजह से वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। श्रोताओं, दुर्योधन का विवाह महाराज चंद्रवर्मा, जो कंबोज नरेश थे, अपनी पुत्री, उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था भानुमती। भानुमती बड़ी सुंदरी थी, उसके समान परम सुंदरी द्रौपदी भी नहीं थी, उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में से एक थी। उसकी सुंदरता को देख करके कामदेव और रति भी लज्जित हो जाते थे, मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा ने जन्म लिया हो। श्रोताओं, जब महाराजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमती विवाह योग्य हो गई तो महाराजा चंद्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, और उस स्वयंवर में उन्होंने भारतवर्ष सहित समस्त देशों के राजाओं को निमंत्रण दिया। उस स्वयंवर में मगध नरेश, जरासंध, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण और अन्य सभी भारतवर्ष के राजाओं ने भाग लिया था। श्रोताओं, जब स्वयंवर की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई थी तो उस समय राजकुमारी भानुमती अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ स्वयंवर मंडप में पधारी और वहां उस राजकुमारी की प्रतीक्षा में सज धज कर आए हुए राजा भी उस राजकुमारी को देखने के लिए लालायित हो रही थी। जब श्रोताओं, राजकुमारी ने रंगभूमि में अर्थात स्वयंवर में अपना पैर रखा तो समस्त राजा उसके रूप और सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी जिस पंक्ति में जाती, राजकुमार वहां खड़े हो जाते और वरमाला डालने की प्रतीक्षा करते। इस तरीके से राजकुमारी एक राजकुमार को छोड़कर आगे चली जाती थी और उनके साथ उपस्थित बांदी, जो दासी कहते हैं, वह दासी उन राजाओं के कुल गोत्र और वीरता का वर्णन करके भानुमती को बताती थी। तो श्रोताओं, जब वही राजकुमारी भानुमती दुर्योधन के आसन के नजदीक आई, दुर्योधन की कुर्सी के नजदीक आई, तो दुर्योधन अपने आसन से खड़ा हो गया और राजकुमारी भानुमती एक क्षण के लिए रुकी, परंतु राजकुमारी भानुमती ने उचित नहीं समझा और वो आगे चल दी, परंतु दुर्योधन उसे सहन नहीं कर सका और राजकुमार दुर्योधन ने झपट करके वरमाला छीन कर अपने गले में डाल ली। श्रोताओ, ये स्थिति देख करके वहां उपस्थित समस्त राजाओं ने, समस्त नरेशों ने अपनी तलवारें खींच ली और दुर्योधन की इस बात का विरोध किया, परंतु दुर्योधन ने समस्त नरेशों को युद्ध के लिए ललकारा
और कहा कि समस्त नरेशों को मुझसे युद्ध करना होगा, मैं इस राजकुमारी का बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा हूं। श्रोताओं, जब समस्त नरेशों ने यह सुना कि दुर्योधन उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो समस्त नरेशों ने दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। परंतु आप जानते हैं कि दुर्योधन के साथ महापराक्रमी महान योद्धा कर्ण उनके साथ था। कर्ण के समान भी उस समय महारथी नहीं था कोई। श्रोताओं, दुर्योधन राजकुमारी भानुमती को रथ पर चढ़ा करके बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर की ओर चल देता है और कर्ण उन समस्त राजाओं को, समस्त नरेशों को रोक लेता है। युद्ध चलते चलते 21 दिन हो जाते हैं और 21 दिन में महारथी कर्ण ने उन समस्त नरेशों को पराजित कर दिया। युद्ध में अन्य नरेशों ने तो कम भाग लिया, केवल मगध नरेश और सिंधु नरेश जयद्रथ से उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ा और उन दोनों नरेशों को 21 दिन के युद्ध के बाद परास्त कर दिया। श्रोताओं, ये मगध नरेश जरासंध की पहली हार थी। तो श्रोताओं, इस तरीके से मगध नरेश की पराजय हो गई और मगध नरेश ने इस बात से प्रसन्न होकर के कर्ण के लिए मालिनी क्षेत्र का राज्य दे दिया था। जी हां श्रोताओं, ये महाभारत में वर्णित है। श्रोताओं, 21 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और युवराज दुर्योधन उसे पहले ही हस्तिनापुर आ चुका था और कर्ण भी विजित होकर के सम्मान सहित हस्तिनापुर लौटा और वह हस्तिनापुर में आकर के धार्मिक रीति रिवाज से, जो हिंदू रीति रिवाज होती है, उसके अनुसार भानुमती का विवाह युवराज दुर्योधन के साथ हुआ। जब भानुमती ने इस बात का विरोध किया तो युवराज दुर्योधन ने यह कहकर के उचित ठहराया कि मेरे पितामह भीष्म ने भी काशी नरेश की राजकुमारियों का हरण किया था अपने भाइयों के लिए। जब वह हरण उचित है, क्योंकि पितामह भीष्म धर्मात्मा थे, जब उनके द्वारा किया गया हरण उचित है, तो मेरे द्वारा किया गया यह विवाह भी उचित ही होगा। तो इससे राजकुमारी भानुमती मान जाती है और दुर्योधन के साथ विवाह कर लेती है। श्रोताओं, राजकुमारी भानुमती अर्थात दुर्योधन की पत्नी के बारे में महाभारत में बहुत कम जिक्र मिलता है, बहुत कम वर्णन किया गया है। दुर्योधन की पत्नी भानुमती के गर्भ से दो संतानें पैदा हुई थी, जिनका नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मण के बारे में आपको ज्ञात होगा कि चक्रव्यूह भेदन के समय, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, उस महाभारत के युद्ध के समय चक्रव्यूह भेदन करते समय वीरवर अभिमन्यु ने उनका वध किया था, अंत कर दिया था युवराज दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का। श्रोताओं, जो उनकी पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका विवाह जामवंती नंदन श्याम के साथ हुआ था। जामवंती का एक पुत्र था भगवान श्री कृष्ण का, उसके साथ हुआ था। उन्होंने भी लक्ष्मणा के स्वयंवर से, दुर्योधन के विवाह मंडप से, जब दुर्योधन अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन कर रहा था, तो वहां से दुर्योधन की पुत्री का हरण किया था और बलदाऊ और अन्य यदुवंशियों ने बलपूर्वक दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा और वहां से बलपूर्वक विवाह करके ले गए थे। तो श्रोताओं, इस तरीके से भानुमती की दो संतानें हुई थी। भानुमती के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुना देता हूं, कि भानुमती कर्ण से प्रेम करती थी। कर्ण महान योद्धा था। एक दिन की बात है, ये कथा प्रचलन में है, कि कर्ण और भानुमती दोनों शतरंज का खेल खेल रहे थे और शतरंज खेलते खेलते समय अचानक ही भानुमती ने देखा कि युवराज दुर्योधन उनके कक्ष की तरफ चले आ रहे हैं। तो भानुमती वहां से छोड़कर जाना चाहती थी, परंतु कर्ण ने समझा कि भानुमती पराजय की वजह से यहां से मुझे छोड़कर जाना चाह रही है, तो उन्होंने उसको झपट करके उनका आंचल पकड़ लिया, जिससे वो फट गया और उनके मोती बिखर जाते हैं। और जब कर्ण ने देखा कि युवराज दुर्योधन आ गए, तो कर्ण भी लज्जित हो जाता है, परंतु दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर और अपनी पत्नी भानुमती पर इतना विश्वास था कि दुर्योधन कहने लगा कि भाई गेम खेल खेलिए या मोती भी नहीं है, एक काम कीजिए। तो श्रोताओं, इस तरीके से हंसते हुए दुर्योधन ने उनको टाल दिया था, अर्थात दुर्योधन को दोनों पर बड़ा ही विश्वास था, अपने मित्र कर्ण पर और अपनी पत्नी भानुमती पर। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे भानुमती से संबंधित, और भानुमती से संबंधित मैं अगला वीडियो लेकर के और भी उपस्थित हो जाऊंगा।
क्योंकि अभी कुछ भानुमति से संबंधित तथ्य और रह रहे हैं। तो श्रोताओं, ये भानुमति का विवाह हुआ था युवराज दुर्योधन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।